मार्केट में मिलने वाले चटपटे मोमोज आज बनाएंगे हम अपने किचन में और अपने तरीके से। इन सर्दियों में ढेर सारी सब्जियां आती हैं। सब्जियों को खिलाना है हमारे बच्चों को, तो उनकी पसंद की चीज बनाइए, जैसे मोमोज। मैदा तो बिल्कुल भी नहीं, कलर नहीं, अजीनोमोटो नहीं, और हाँ बहुत सारी सब्जियों के साथ अनियन गार्लिक वाले भी बनाएंगे। और बिना अनियन गार्लिक वाले जिन्हें नहीं पसंद है वो पनीर वाले खा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, आप जरूर ट्राई कीजिए। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, हमने मोमो मंचूरियन भी बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या वो देख लेते हैं। एक बड़ा सा कटोरा ले लिया, छन्नी ले लिया, और डेढ़ कटोरी हम लेते हैं गेहूं का आटा। आटे को हम छान लेते हैं। इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा नमक, एक छोटा चम्मच ऑयल, और इसे नॉर्मल पानी से हमें गूंथ लेना है। गूंथते टाइम आपको ये देखना है कि शुरू में बहुत ज़्यादा गीला ना करें, थोड़ा सा टाइट सा गूंथेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जितना टाइट होगा उतना ही हम पतला बेल पाएंगे और हमारा मोमोज बहुत ही परफेक्ट बनेगा। अगर आटा थोड़ा गीला रह गया तो हमें थोड़ा मोटा मोटा बेलना पड़ेगा, जिससे मोमोज कभी भी कच्चे बन सकते हैं। तो हमारे कच्चे ना बने, परफेक्ट बने, उसके लिए आपको आटे पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मल कर इसे अच्छे से गूंथ के एक तरफ रख देते हैं। अब लेते हैं एक पैन जिसमें डालेंगे थोड़ा पानी और 20 से 25 पीस हम लाल मिर्ची डाल देते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च है तो बहुत ही बढ़िया, इस समय ताजी लाल मिर्च भी आ रही है, आप वो भी ले सकते हैं। और यहाँ पर ड्राई मिर्ची तो हमेशा ही आपको मिलेंगी, तो वो मैंने सारी डाल दी हैं। यहाँ मैंने 2 से 3 टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने कट कर लिया है, ऊपर का पार्ट कट करके, और 2-2 पीस करके इस पानी के अंदर हम डाल देते हैं। इन्हें उबलने देते हैं जिससे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, टमाटर की स्किन हट जाए और जो मिर्ची भी हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। अगर ताजी मिल जाती है तो वो तो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगी, अगर ये ड्राई है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ देखते हैं मिर्ची और टमाटर को जो मैंने ढक के रख दिए थे, टमाटर की स्किन हटने लगी है और मिर्ची भी सॉफ्ट हो चुकी है। इन सबको हम छन्नी में छान लेते हैं, इसका पानी ड्रेन आउट कर लेते हैं। कई बार हम सॉस बाहर की यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम सॉस घर में ही बनाएंगे। इस सॉस को बनाकर आप 1 वीक तक फ्रिज में रख सकते हैं, और सिर्फ मोमोज ही नहीं किसी भी रेसिपी के साथ ये चटपटी चटनी आपको बहुत पसंद आने वाली है। टमाटर की स्किन हटा देते हैं और थोड़ा ठंडा करने के बाद इसे हम पीस लेंगे। ये जो उबाला हुआ पानी है वही थोड़ा डालेंगे और हम ग्राइंड करेंगे इसे। आप चाहें तो इसके लिए बाहर की सॉसेस यूज कर सकते हैं, पर मैंने टोटल सारी घर की यूज की हैं, जो मैंने पहले भी आपको बनाकर दिखाई हैं और आज भी मैं स्पेशल बना रही हूँ। आप चाहें तो स्टीम मोमोज के साथ खा सकते हैं, चाहे तो यही सॉस आप मोमोज मंचूरियन में यूज कर सकते हैं। ये फाइन पेस्ट हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया। इनकेस आपको लगता है कि मिक्सी में बहुत अच्छे से फाइन नहीं पिसा है तो आप इसे छान भी सकते हैं। चलिए अब इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं। उसी पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। अब आप चॉपर में या ग्रेटर से अदरक और लहसुन इनको भी चॉप कर लीजिए। आप इसमें डाल दीजिए 1 टेबलस्पून भर कर अदरक और लहसुन। थोड़ा भूनने के बाद, बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, थोड़ा भूनने के बाद आपको क्या करना है, 1/2 चम्मच सोया सॉस डालना है। सोया सॉस डालने के बाद जो हमने पेस्ट बना रखी है टमाटर और मिर्ची की, उसे मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, मिक्सी में काफी सारी पेस्ट लगी हुई थी, और इन सबको एक बार पकाते हैं। यही सॉस हमें मोमो मंचूरियन बनाने में भी यूज होगी। यहाँ डाल देती हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 से 1.5 चम्मच, क्योंकि पहले मैंने स्पाइसी वाले डाले थे, और स्वाद अनुसार डाल देती हूँ नमक। 1/2 चम्मच चीनी भी डाल रही हूँ, जिससे सारा स्पाइसेस जो है वो बैलेंस रहेगा और ये थोड़ा टाइम अच्छे से चल जाती है। अब इसे पका लेते हैं, और इसमें लास्ट में डालती हूँ मैं 1 चम्मच सिरका विनेगर, व्हाइट विनेगर। एक और बात, अगर आप लहसुन नहीं पसंद करते तो इसे स्किप कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। इसे हम अच्छे से पका लेते हैं और एक बोल में निकाल लेते हैं।
ये मोमोज की सॉस बनकर तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं मोमोज की फिलिंग बनाने वाली हूँ। मैंने एक बड़ी प्लेट में पत्ता गोभी को अच्छे से बारीक काट लिया है, हरी प्याज का नीचे वाला पार्ट, गाजर को ग्रेट कर दिया है, नॉर्मल वाली प्याज भी काट ली है। इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी डाल देते हैं। ये करीब करीब दो कटोरी भरकर ये सारी सब्जियां हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रेंच बीन डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च डाल सकते हैं, ये सारी च्वाइस आपकी है। अब इसमें स्वाद अनुसार डाल दीजिए नमक, काली मिर्च डालना चाहें तो ठीक है, वैसे हमने हरी मिर्च भी डाली है। इन सबको मिक्स करके आप एक तरफ रख दीजिए। हमें इन्हें पकाना नहीं है क्योंकि ये जब हम स्टीम देंगे तो ये सब्जियां भी बहुत अच्छे से पक जाती हैं। बस अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब लेते हैं हम उसी आटे को, गेहूं के आटे को, जिसे हमने गूंथ के रख लिया था। मोमोज खाना हमें पसंद तो बहुत आते हैं, बस यही लगता है इतना सारा मैदा खा रहे हैं। तो चलिए आज हम आटे से ही बनाएंगे। बहुत छोटी छोटी लोई बनानी है, उन्हें एक तरफ रखते जाना है, बहुत ही छोटी छोटी। बाद में ये भी बताऊंगी कि लहसुन प्याज वाली फिलिंग नहीं पसंद है तो हम कैसे खा सकते हैं उसे। सारी लोइयां तोड़ के मैंने रख दी हैं। एक एक लोई लेनी है और हमें इसे बेलना है। आटा हमने इतना बढ़िया गूंदा है कि हमें सादा आटा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वैसे आपको लगे तो आप बेलते वक्त थोड़ा सा आटा यूज कर सकते हैं, बस आपको कोशिश यही करनी है कि इसे पतला बेलना है। ये देखिए, जब मैं हाथ से आपको दिखा रही हूँ तो हाथ नीचे से पूरा दिख रहा है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा है, बस ऐसा ही हमें चाहिए। इसी टाइप से हम सारी लोइयों को बेल लेते हैं। आपको ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा आटा यूज़ कर सकते हैं। अब मोमोज बनाने के लिए हमें रखना होगा एक स्टीमर, कोई भी पतीला रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर रख दिया इडली मेकर, जिस पर हमें इस ट्रे पर भी लगा सकते हैं, इडली के मोल के ऊपर भी रख सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस है। आप इस तरीके से जिसमें भी स्टीम देना चाहें दे सकते हैं। अब हमारी फिलिंग जो थी उसे भी हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से। हमें क्या करना है, इस फिलिंग का पूरा पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना। इसके अंदर मॉइस्चर होगा तो हमारे मोमोज जो है ना अंदर से ड्राई नहीं बनेंगे। अब एक एक लोई को आपको लेना है और बीच में थोड़ी सी फिलिंग रखनी है और सब तरफ से धीरे धीरे सल मारते हुए आप इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मोमोज बना पाएंगे। मैं दो से तीन तरीके आपको बताऊंगी, बहुत ही सरल होते हैं और इससे हमारे मोमोज बिल्कुल टाइट भी नहीं बनेंगे। बस आपको रोल करते हुए ऊपर का पार्ट थोड़ा सा कट कर देना है, जिससे क्या होगा ये बिल्कुल भी ऊपर से कच्चे नहीं लगेंगे। ये देखिए, हमें इसी तरीके से मोमोज को बनाना है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस आप सब तरफ से फोल्ड करने के बाद इसे ट्विस्ट कीजिए, ऊपर का जो पार्ट मोटा सा लग रहा है उसे आप हटा दीजिए। यहाँ मैं आपको एक और शेप बताती हूँ। यहाँ आप ओवरलैप कर दीजिए, सब तरफ से चिपका दीजिए, ये और भी ज़्यादा सरल है। यहाँ देखिए, इसे भी दोनों कॉर्नर को ओवरलैप करना है एक दूसरे के ऊपर और चिपका देना है। ये देखिए, अब आपकी मर्जी है, जिस भी शेप में आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं, जो आपको पसंद आता हो। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ इडली का मोल। यहाँ स्टीमर में पानी गर्म हो रहा है, यहाँ मैंने इडली मोल्ड ले लिया है और इसके ऊपर ये मोमोज को रख देती हूँ। जब तक इसमें स्टीम लगेगी तब तक हम दूसरे मोमोज को बना लेंगे। 15 मिनट कम से कम इसे हमें स्टीम देनी है, क्योंकि ये आटे के हैं तो हमें बिल्कुल भी इसे कच्चा नहीं छोड़ना है। 15 मिनट में बहुत ही बढ़िया ये स्टीम्ड हो जाते हैं। अब चलते हैं, पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है, इसमें खूब सारा हरा धनिया और हरी मिर्च डाल देती हूँ, बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे। अब इसमें लहसुन और प्याज का झंझट ही नहीं है, ना ही आपको सब्जियां काटने का झंझट है और ये टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। बनाना हमें उसी तरीके से है, बस हमें फिलिंग में सब्जियों के बदले पनीर डालना है। मैंने आपको पहले भी मोमोज की रेसिपी दी है कि तंदूरी मोमोज कैसे बनाएं और मोमोज के साथ चटनी और मेयो कैसे बनाएं, जैसे मार्केट स्टाइल, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं कि मार्केट में कैसे होते हैं। तो यहाँ देखिए, परफेक्ट तरीके के मोमोज बनकर तैयार हो गए हैं वेजिटेबल्स के साथ, और इस बहाने बच्चे खूब सारी सब्जियाँ खा लेते हैं, हम घर में बड़ी आसानी से बना लेते हैं, और आटे के बनाए हैं तो टेंशन ही नहीं। अब हम चलते हैं पनीर के मोमोज बनाने। बस
उन्हें भी स्टीम लग जाए, बहुत ही टेस्टी वो भी बनेंगे। इसमें तो प्याज लहसुन का टेंशन भी नहीं है। लीजिए, पनीर के मोमोज बन चुके हैं, उन्हें भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अब चलते हैं हम वो ग्रेवी बनाने जिसमें हम मोमोज मंचूरियन बनाएंगे। तो उसके लिए मेरे पास लंबी कटी हुई थोड़ी प्याज है, लंबी कटी हुई शिमला मिर्च है, अदरक लहसुन है और हरी प्याज है। एक पैन ले लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा ऑयल, अदरक और लहसुन डाल देती हूँ और लंबा कटा हुआ प्याज ले लेती हूँ। इन सबको हमें पकाना है। हमें कोई कलर की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें अजीनोमोटो डालना है। इसी में मैं डाल रही हूँ शिमला मिर्च लंबी कटी हुई, थोड़ी सी हरी प्याज का ऊपर वाला पार्ट ले रही हूँ। इस समय सीजनल ये सब्जियाँ बहुत मिल रही हैं। इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा काली मिर्च पाउडर। काली मिर्च को अगर ताज़ा कूटते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, एक कप पानी लेना होगा, उसमें एक चम्मच डाल देंगे हम कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर या आरारोट, उसे मिलाकर एक स्लरी तैयार करके अलग रख दीजिए। अब इस कढ़ाई में हम डालेंगे आधे चम्मच से भी कम थोड़ा सोया सॉस। दो से तीन चम्मच भर के हम डालेंगे वही सॉस जो मोमोज के लिए हमने बनाई थी। वो काफ़ी स्पाइसी थी और बहुत ही इससे टेस्टी बनेंगे। और इसमें दो चम्मच डाल देंगे हम टमेटो सॉस। टमेटो सॉस नहीं डालना है तो कुछ दाने चीनी के डाल सकते हैं, जिससे ये बड़ी अच्छी टेस्टी बनेगी। अब हमने जो पानी में घोल के रखा है आरारोट, वो ही हम इसके अंदर डाल देते हैं और इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसमें अच्छी शाइन ना आ जाए और अच्छा गाढ़ा सॉस ना बन जाए। जैसे जैसे ये पकता है अच्छा कलर भी आ जाता है और ऊपर से शाइन आने लगती है। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। ये देखा ना, पकते पकते कितना बढ़िया लग रहा है। इसकी जो सॉस बनी है बहुत ही बढ़िया कलरफुल, क्योंकि ये रेड भी लग रही है और शाइन काफ़ी अच्छे से आ गई है। और हरी प्याज के पत्ते डालकर इसे गार्निश कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये जो सॉस है बहुत अच्छे से उबल रही है और ये गाढ़ी भी हो गई है, बहुत ही बढ़िया कलरफुल लग रही है। अब ये टाइम है इसमें मोमोज को डालने का। मोमोज आप कोई भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल वाले या पनीर वाले। मैंने अभी वेजिटेबल वाले डाले हैं और इन्हें थोड़ा सा हम पकाएंगे। बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। कितने बढ़िया फूल से गए, इसे देखते ही मन करेगा खाने का। इसके ऊपर हरी प्याज की गार्निश जरूर करें, अगर ना हो तो हरे धनिया से कर सकते हैं। लग रही है ना डिश बड़ी टेम्पटिंग सी, इसे खाना कौन पसंद नहीं करेगा। बिल्कुल भी बच्चे नखरे नहीं करेंगे, सब्जियां तो यूं खा जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी तीन वैरायटी के मोमोज बनकर तैयार हुए हैं। आप कौन से बनाना पसंद करेंगे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी न कीजिए।